नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। गुरु ग्रंथ साहिब जी का फरमान है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते, सब जग उपजिया कौन पले को मंदे। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख, कोई ईसाई, पर सब में वो एक ही जोत है उस परमात्मा की। आइए, शब्द है कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। वाह हे गुरु, वाह कृपाकार रहीम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अलाय। यह शब्द आपके सम्मुख रखा। इस शब्द में गुरु अर्जन साहब जी ने जो संदेश दिया है, वो संदेश आज के समय में बहुत जरूरत महसूस करवाता है, क्योंकि परमात्मा के अनेक नाम हैं। अपने अपने तरीके से लोगों ने नाम रखे, पर परमात्मा एक है। घर में भी बच्चा है, माँ किसी नाम से बुलाती है, पिता किसी नाम से बुलाता है, दादी माँ किसी नाम से बुलाती है, पर बच्चा तो वही है। परमात्मा एक है, ये समझने की हमें जरूरत है। अब मैं आग्रह करूँगा हमारे एडिशनल सचिव सरदार रविंदर सिंह जी से, वो आपके सम्मुख आए और वेलकम स्पीच जो है वो दें। उसके बाद हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। कुछ ही क्षणों में हमारे मेयर, जिनके पूर्ण सहयोग से ये प्रोग्राम उलीका गया है, माननीय श्री जितेंद्र तिवारी जी भी पहुंचने वाले हैं। और ये कार्य जो 550 साल प्रकाश पर्व समूची दुनिया अपने अपने तरीके से मना रही है, और जिसकी खुशबू इस हमारे कोयलांचल में पहुंची है, और गुरु साहब जी के जीवन से क्या हम संदेश ले सकते हैं, इस बारे में विचार करने के लिए ये एक सेमिनार समिट जो है वो रखी गई है। सबको एक साथ में लेकर चले और उनके सहयोग से ये कार्यक्रम आज का हम लोग कर रहे हैं। और तालियों की गड़गड़ाहट से मैं हमारे मेयर श्री जितेंद्र तिवारी जी का स्वागत करता हूं, और हमारी अध्यक्ष महोदय हर्षरण कौर जी से आग्रह करूंगा कि फूलों का पुष्प देकर उनका स्वागत करें। आग्रह करूंगा सरदार हरदीप सिंह जी से, वो मंच पर आए और अपने कर कमलों द्वारा मोमेंटो देकर श्री जितेंद्र तिवारी जी का स्वागत करें। गया अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते, सब जग उदिया कौन भले कौन मंदे। किसी परमात्मा की बंदगी कर सकता है, और आज ये जरूरत महसूस होती है कि कैसा था। अगर गुरु नानक साहब जी जगन्नाथपुरी जाते हैं, एक मंदिर में आरती हो रही है, गुरु साहब बाहर आके आरती करते हैं, क्योंकि गुरु साहब। मैं आग्रह करूंगा श्री जितेंद्र तिवारी जी से, वो कृपया आज के इस पावन अवसर में अपने शब्द कहें। गुरु की बातों का प्रचार करने के लिए जो कुछ करते हैं,
और ट्रू सेंस में यदि कोई उसे एक्सेप्ट करता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है समाज के लिए, चाहे वो गुरु नानक देव जी की बात कहें, चाहे आप हजरत मोहम्मद जी की बात कहें, चाहे प्रभु राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, किसी भी धर्म से जुड़े हुए किसी भी महात्मा या मनीषी के बातों को प्रचारित यदि किया जाए और उसे लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए तो अंतर समाज का भला ही होता है। ये हमारी विडंबना है कि ये आज का कार्यक्रम का आयोजन करना है इस बात को प्रमाणित करता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां चार भाई एक साथ रहते हैं, किसी घर के बाहर लिखा हुआ हो कि हम चारों भाई साथ साथ हैं, इसके मतलब समझ लीजिए कि चारों भाई में जरूर फूट है, अन्यथा चारों भाई साथ हैं ये लिख कर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे कार्यक्रमों का जब आयोजन किया जाता है ये बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसको स्वीकार करते हुए सब कुछ ठीक करने का प्रयास है, और ऐसा प्रयास और भी होना चाहिए। ऐसे एक दो कार्यक्रमों से समाज में जो क्या कहें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शब्द का प्रयोग करना ही उचित होगा, हालांकि जो हो रहा है वो उससे और कठोर शब्द का उसके लिए प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मैं वैसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसे ऐसे एक दो कार्यक्रमों में मिटाना संभव नहीं है, निरंतर ये प्रयास होते रहना चाहिए। और जो लोग इस पर अच्छी सोच रखते हैं, जो लोग इसके बारे में ठीक ढंग से लोगों को बता सकते हैं, ठीक ढंग से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, ऐसे लोग ऐसे वक्ता जब हमारे बीच आते हैं और वो जब अपनी बातें रखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और जैसा समाज हम चाहते हैं वैसा समाज बनाने में हमको सहायता मिलती है। मेरा केवल एक सजेशन है कि जब भी अच्छे वक्ता जो इन विषयों पर अच्छा बोल सकते हैं, जिनके पास अनुभव है, बोल सकते हैं, मतलब हमारी वो इसलिए बोलते हैं कि वो हमारे मन में जो जिज्ञासा है उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। बहुत से प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है, और ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए ही हम यहां पर आते हैं। तो मेरे ख्याल से भविष्य में जब ऐसा कार्यक्रम किया जाए तो उसके पहले एक दूसरा एक छोटा कार्यक्रम और किया जाए जिसमें लोगों के मन में जो प्रश्न है, लोगों के मन में जो हलचल है, लोगों के मन में जो अशांति है वो क्यों है, लोगों को कौन सा प्रश्न खाई जा रही है, कौन सा प्रश्न लोगों के दिलों में चुभ रही है, उसका एक समरी करके उसके बाद जो हमारे वक्ता आते हैं उनके सामने प्रस्तुत किया जाए या पहले से उन्हें दे दिया जाए तो और बेटर ढंग से हम लोगों को बता पाएंगे। जैसे किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो अपनी रोग का बाप अब हमें क्या तकलीफ है ये ठीक से यदि डॉक्टर को बता पाए तो डॉक्टर की दवाई भी ठीक काम करते हैं, वो सही सही प्रिस्क्रिप्शन बता पाते हैं। डॉक्टर तो बहुत कुछ जानते हैं, डॉक्टर सर्दी का दवाई भी जानते हैं, बुखार का दवाई भी जानते हैं, पेट दर्द का भी दवाई जानते हैं, सर दर्द का भी दवाई जानते हैं, लेकिन पेशेंट को बताना पड़ता है कि मुझे क्या हुआ है, तब उसका दवाई वो दे पाएंगे। इसी तरह जो वक्ता आज यहाँ पर आए हुए हैं ये ज्ञान के भंडार हैं, ये हर विषय में बहुत बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है, कौन सा प्रश्न हमें खाया जा रहा है, कौन सा प्रश्न हमारे मन को बेचैन कर रहा है, ये उनके सामने यदि क्लियर होगा तो और बेहतर ढंग से हमारे मन को शांत करने के लिए हमारे मन में जो प्रश्न है उनका सदुत्तर वो और बेहतर ढंग से दे पाएंगे। फिर भी ये कार्यक्रम किया गया और जिन लोगों ने ये सोचा कि हाँ ऐसे कार्यक्रम को करने की जरूरत है, आप जानते हैं जब भी ऐसे कार्यक्रम करने पर किए जाते हैं जो लोग बढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं अंत उनको लोगों की गाली सुननी पड़ती है, तो और ये जानकर जो लोग ऐसा करते हैं ये जानकर ही कहते हैं कि बाद में मुझे बहुत तरह का आक्षेप मेरे ऊपर लगाया जाएगा, मेरी समालोचना की जाएगी, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से समाज का भला होने वाला है। इसलिए जिन लोगों ने आज ये आयोजन किया मैं उनको बहुत बहुत शाबाशी देता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आज जो भीड़ आपने उठाया है इसके लिए यदि भविष्य में आपको गाली सुननी पड़ी तो गाली को भी शेयर करने के लिए हम लोग हैं, चिंता मत कीजिए, किसी की बात की परवाह मत कीजिए, जिस तरह आप ये काम कर रहे हैं ये करते रहिए। आसनसोल नगर निगम आसनसोल की जनता का नगर निगम है, यहाँ की जनता के पैसे से चलता है, इसलिए नगर निगम ने कुछ सहायता की है ये कहना ठीक नहीं है कि नगर निगम यदि आपके इस कार्यक्रम में कुछ करता है तो आपके पैसे से ही होता है, आपके टैक्स के पैसे से होता है,
आप खुद नगर निगम से अपने लिए ये काम करवा ले रहे हैं, इसमें नगर निगम का क्रेडिट का कोई मामला नहीं है, ये हमारा हमारी जिम्मेदारी है और ये आने वाले दिनों में हमें करते रहना है। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, और जो लोग यहाँ पर आए हैं स्पीकर्स को अच्छी तरह सुनेंगे और सुनने के बाद उसको उस पर सोचेंगे और फिर जीवन में उसे अमल में लाएंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सकते हैं कि गुरु नानक पातशाह जी का आगमन भी इस धरती पे सूरज की रोशनी के तरह, चमकते हुए सूरज की रोशनी के तरह हुआ। भाई गुरदास जी गुरु नानक साहिब जी के आगमन के बारे में बड़ा ही प्यारा बयान करते हैं। वो कहते हैं, सतगुर नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, ज्यों घर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलवा। कि गुरु नानक पातशाह जी का आगमन सूरज की रोशनी के तरह हुआ, इस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए हुआ, बल्कि उन्होंने केवल अज्ञानता के अंधेरे को ही दूर नहीं किया, उन्होंने स्त्री जाति को इतनी महानता दी। कि हम स्त्री जाति को क्यों भला बुरा कहते हैं, जब स्त्री के कोख से राजाओं महाराजाओं का जन्म होता है, सूरवीरों का जन्म होता है, योद्धाओं का जन्म होता है, तो हम स्त्री जाति को फिर क्यों बुरा कहते हैं। बानी हमें कहती है कि सो क्यों मंदा आखी है, जित जम्मे राजान। तो आइए ये जातिवाद के झगड़े तभी खत्म हो सकते हैं जब हम अपनी कमियों को देखेंगे। हमें जरूरत है कि हम अपनी कमियों को देखें। यहाँ पे कवि बहुत ही प्यारी बात कहते हैं गुरु नानक पातशाह जी के आगमन के ऊपर। कहते हैं कि ओंकार का सूरज निकला, ओंकार का सूरज निकला, दूर किया अंधियारा, नानक की बाणी सुनकर जाग उठा जग सारा, जाग उठा जग सारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, आदाब, नमस्ते। दो तरह की बातें करते थे, जी और जीने दो की बातें करते थे, हक मारने की बात नहीं करते थे। बहुत तरह की चीजें उन्होंने की, करुणा और प्रेम की बात करते थे। उनके पूरे पूरी बातचीत के केंद्र में ही करुणा और प्रेम है। मानता हूं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग है कि मैं श्रेष्ठ हूं और वो आदमी मुझसे नीचा है, वो आदमी नहीं बना है, वो आदमी बनने के प्रोसेस में है। और इस देश में जो जिन लोग संकट संसाधनों पे हजारों साल से कब्जा रहा, मैं ये घोषणा करना चाहता हूं इस मन से कि वो सारे लोग इंसान नहीं है। जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को नीच समझते हैं, वो आदमी बनने के प्रोसेस में है। अभी आदमी बने नहीं है, पता नहीं कितने हजार कौन है। और मैं खुल के कहता हूं इस समय कॉमन दुश्मन है, और उस कॉमन दुश्मन से लड़ने के लिए हम सारे कॉमन लोगों को एक मंच पे आना होगा। भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, एक साथ आइए, हाथ मजबूत कीजिए। और ये जो देश का जो मूल कल्चर है, जो नानक देव जी का जो कल्चर है, जो श्रमण संस्कृति है, जो श्रम की महत्ता है, आप देखेंगे कि वो संन्यास को और इन सारी चीजों को वो नानक जी पसंद नहीं करते। वो खुद भी गृहस्थ थे, खुद भी मेहनत करते थे। यही कारण है कि आज सिख समुदाय के लोग मेहनती हैं। ने सपना देखा था क्या, यही इसी तरह का समाज चाहते थे कि किसी नौजवान को ट्रेन में मार दिया जाएगा, किसी को कहीं भी मार पीट के लोग खत्म कर देंगे। एक बर्बर समाज पैदा हो रहा है, एक क्रुएलिटी समाज में फैल रही है। यह बहुत ही खतरनाक चीज है। हमें लगता होगा कि अगला नंबर आपका भी आ सकता है, क्योंकि सिख भी अल्पसंख्यक ही कहे जाते हैं। क्रिश्चियन लोग सोच रहे हैं अगर हमको क्या मतलब है, मुस्लिम मारे जा रहे। नहीं भाई मेरे, मारे तो तुम भी जाओ। मैं यहां से ऐलान करना चाहता हूं, जब दलित मारे जाते थे तो क्या मुसलमान आते थे उनको बचाने? जब दलित मारे जाते थे तो क्या क्रिश्चियन और सिख लोग आते थे वहां तलवार लेके बचाने? नहीं आते थे। तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। अब बचना है तो सबको एक होना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। गुरु नानक जी यही कहते थे, मैं नहीं कह रहा, ये बात वो कह के। अगर आप मानते हैं उनको, बार बार आप उसको जो है इतनी सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, तो उनके विचारों को भी समझिए, उनके रास्तों को भी समझिए कि किस तरह का रास्ता वो चाहते थे। आज के संदर्भ में हम कैसे इसको लाने का उदाहरण हमेशा दिया जाता है, लेकिन सुई तो वही अटकी हुई है। फिर दंगे होते हैं, फिर जाति को लेकर नफरत वैसे ही है, फिर किसी लड़की का बलात्कार होता है, फिर इस देश में वैसे ही हिंसा होती है, वैसे ही नफरत फैलाया जाता है। नानक देव के विचार वही के वही है। ये कैसा देश है, इस देश के लोग कैसे हैं, जहां इतने सारे महापुरुष पैदा हुए, बावजूद इसके समाज में बराबरी नहीं आई है।
जहां इतने सारे महापुरुष पैदा हो। अभी जुलेखा जमीन जी इसकी बात करेंगी, सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख की, कि आज से 1848 के समय उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ठीक है, आज लड़कियां बहुत सारे क्षेत्र में आगे आ रही हैं, बावजूद उसके लड़कियां अभी भी सुरक्षित नहीं है। हमने कैसा समाज बनाया, हमारे महापुरुषों ने कैसा समाज बनाने का सपना देखा, रास्ता दिखाया, और हमने कैसा समाज बनाया? तो नफरत का दौर तो अभी भी जारी है। नानक से पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए 2500 साल पहले, उसी कारवां को मध्यकाल में इन लोगों ने आगे बढ़ा। कबीर साहब है हमारे, रविदास जी हैं, तुकाराम है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संत थे जिन्होंने वही उसी बाणी को आगे बढ़ाया। आधुनिक भारत में ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई हमारे सामने आती हैं। 370 नहीं है क्या, सारे राज्य डेवलप हो गए हैं? निश्चित रूप से जिन्होंने उसको हटाया है सबसे ज्यादा उन्हीं को फायदा है। ठीक वैसे ही कि जिन्होंने जाति बनाई है सबसे ज्यादा उसको फायदा होने वाला है। वो क्यों चाहेंगे जाति खत्म? नानक जी ने और कोई कहा, मैं इन सबको डॉक्टर कहता हूं, मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं, स्टूडेंट से कहता हूं कि लो डॉक्टर है, नानक देव जी डॉक्टर है, आपने भगवान बनाया, मैं भगवान नहीं कहता, वो ऐतिहासिक आदमी है, इतिहास में सच्चाई है। अगर आप भगवान बनाएंगे तो पुराण की चीज हो जाएंगे, कथा कहानी की। अभी एक मंदिर का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस जो भगवान है, मैं नाम नहीं लूंगा, खतरनाक शब्द है वो, दंगे फसाद हो जाते हैं उस शब्द से, कि इनके परिवार का कोई जीवित है और कैसे साबित करेंगे इनका जन्म उसी जगह में हुआ। तो वकील ने कहा कि खोजना पड़ेगा, कोई पता नहीं है कि नहीं कोई, वो पौराणिक पात्र है। नानक देव जी पौराणिक नहीं है, इतिहास की सच्चाई है। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि आप इनको ऐतिहासिक रखना चाहते हैं तो भगवान मत बनाइए, चमत्कार मत जोड़िए, क्योंकि इनके पास बेशकीमती खजाना है विचारों का। मैं जब पंजाब जाता हूं चंडीगढ़ बोलने के लिए, तो मैं देखता हूं रविदास जी को लेके भी मंदिर, रविदास मंदिर, मैं कहता हूं मंदिर शब्द को हटाओ यार, मंदिर करोगे तो चमत्कार हो जाएगा। लोग कोई अपना मनौती मांगेगा कि मुझे बेटा दे दो, मेरे बेटे को IIT में सिलेक्शन करा दो, कोई कहेगा मेरा प्रेम यहां करवा दो, मेरी शादी वहां करवा दो, भगवान से लोग यही कहते हैं। ये भगवान लोग नहीं है भाई, ये विचारों के पुंज लोग हैं, ये फिलोसफर लोग हैं, ये साइंटिस्ट लोग हैं, ये सोशल साइंटिस्ट लोग हैं, भगवान बना के आप इनको छोटा करेगा। तो मैं हमेशा वहां बोलता हूं, इसको लिखिए सदगुरु रविदास जी सामाजिक परिवर्तन स्थल, ये सामाजिक परिवर्तन करने वाले महापुरुष हैं जो पंजाब की धरती से पूरे देश में अपने विचारों को फैलाते हैं। ये फिलोसफर है मेरे दोस्तों, ये सोशल साइंटिस्ट है, इनको चमत्कार से मत जोड़िए, इनको धार्मिक मत बनाइए, ये परिवर्तन करने वाले लोग हैं, इन्होंने लोगों को एक रास्ता है। आप बार बार बोल रहे हैं प्रकाश पुंज, प्रकाश का प्रकोत्सव, प्रकाश का क्या मतलब है? अंधकार को दूर करता, अगर चमत्कार आएगा, अगर भगवान आएगा तो अंधकार आएगा, इसलिए देश अंधकार में जी रहा है। मैं कह रहा था ये लो डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या काम है? बीमारी को दूर करना। बीमारी का क्या कारण है? बैक्टीरिया। जब तक बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे बीमारी दूर नहीं होगी, रास्ता तो इन्होंने बता दिया। डॉक्टर बोलता है टैबलेट खाओ, ये परहेज करो, अगर आप टैबलेट नहीं खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी दूर नहीं होगी, बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं। तो जाति का जो बैक्टीरिया है जिन्होंने पैदा किया, और धार्मिक कर्मकांड का जो बैक्टीरिया जिन्होंने पैदा किया, और अंधविश्वासों का बैक्टीरिया जिन्होंने पैदा किया, हमारे डॉक्टर ने बताया तो इलाज, हमने उस इलाज को किया ही नहीं। हमारे डॉक्टर्स ने रास्ता तो बताया, टैबलेट तो दिया, हमें इंजेक्शन भी दिया, बहुत सारा सिरप बनाए, हम उस पर अमल नहीं करते हैं। अमल नहीं करते हैं तो हमेशा ऐसे कार्यक्रम करते हैं और फिर कहते हैं कि नानक देव जी ने जाति को लेकर ऐसा कहा था और धर्म को लेकर ऐसा कहा था, चीजें वैसी की वैसी बनी रही। मेरा जो विषय दिया गया बड़ा खतरनाक सा विषय है, वैदिक धर्म और नानक देव जी का, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि भावनाएं लोग आहत हो जाती है। बड़ी कोमल सी भावना होती है भाई, भारत में बहुत कोमल सी भावना पाई जाती है, बहुत कमजोर सी, तुरंत आहत हो जाती है। लड़की जींस पहनी की तुरंत भारतीय संस्कृति की भावना आहत हो जाती है, किसी ने स्कर्ट पहना की भावना आहत हो जाती है, तो यहाँ जो है जानवर के चलते भावना आहत हो जाती है। तो इसलिए भाई उधर मैं जाऊंगा नहीं, केवल एक ही वाक्य कहूंगा कि वैदिक धर्म अगर इतना मजबूत था, इतना महान था, तो नानक देव जी को जन्म लेने की जरूरत क्या क्या, और कुछ नहीं। इतना ही अगर अच्छा धर्म था तो कबीर और बुद्ध और नानक देव जी इस धरती पर पैदा नहीं होते, क्योंकि समाज में समानता होती।
जब समाज में असमानता थी, जब बीमारियां थी, जब दिक्कत थी, तभी तो इनको लगा कि समाज में सुधार होना चाहिए। नानक देव जी बार बार बोलते हैं नमाज को लेकर, उन्होंने 5 तरह की कैटेगरी की है कि मैं किसको नमाज मानता हूं। उन्होंने जो जटाजुटि धारण करते हैं, जो योगी का भेष धारण करते हैं, उस पर भी सवाल खड़ा किया। सब आप सुन चुके, सुनते रहते हो, मैं नहीं बात करूंगा। करते क्या है, मैं उस पर बात करूंगा कि आप करते क्या है। वाणी तो आपको शब्द कितने कानों में मिश्री घोलते हैं, शब्द कितने अच्छे होते हैं, मन झूम जाता है, होता क्या आफदा है। उसके बाद क्या, तो मैं पूछता हूं अपने मुस्लिम दोस्तों से जो भी यहां बैठे उस धर्म को, मैडम यहां बैठी हुई है, सच्चाई को पता चलेगा कि बीमारी दूर नहीं करेंगे तो भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। बहुत त्याग की बात की नानक देव जी ने, समर्पण की बात की, उसकी भी मैं बात नहीं करूंगा। जो इनके व्यक्तित्व, जो इनका व्यक्तित्व मुझे प्रभावित करता है, मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि मैं इनको भगवान नहीं मानता, मैं इनको धार्मिक आदमी मानता हूं, जो पढ़े लिखे होने के कारण, थोड़े बहुत समझदारी रखने के कारण, उसी बात को मैं आपके बीच रख। ये समावेशी संस्कृति, बार बार समरसता शब्द आजकल बहुत चल रहा है, आपके आपकी जो खबर आज छपी अखबार में उसमें भी समरसता शब्द आया, ये खतरनाक शब्द है। समता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, समरसता नहीं होना चाहिए। समरसता और समानता में क्या अंतर है, जो सुधार और परिवर्तन में अंतर है। यही गांधी और अंबेडकर में इसी बात की लड़ाई थी। अंबेडकर परिवर्तन चाहते थे, गांधी सुधार चाहते थे। अगर कोई गरीब है तो गांधी चाहते थे इसको खाना खिलाओ, अंबेडकर चाहते थे कि किन कारणों से गरीब है उस कारण को दूर करो, उसकी गरीबी ही दूर हो जाए। महापुरुषों को पढ़ा था, वो बुद्ध से प्रभावित है, नानक से प्रभावित है, तुकाराम से प्रभावित है, वो कबीर से प्रभावित है। ये सारे संतों की वाणी को उन्होंने, चूंकि बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, सारी भाषाओं को जानते थे, संस्कृत साहित्य भी उन्होंने पढ़ा था, तो चूंकि इन सब उन्होंने नानक देव जी को पढ़ा था, उन्होंने देखा कि लोकतंत्र की बात कर रहे हैं नानक देव जी, तब जब वो संविधान बनाते हैं तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में होती है, और इक्वली रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। और संविधान ये अधिकार देता है कि जेंडर के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाता। लेकिन कुछ लोग फायदा लेते रहे हैं इन सब चीजों का, तो आज भी चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बरकरार रहे। उनकी सृष्टि करता वो ताकत मांगे, जो कि वो अगापे लव, वो प्रेम जो कि सेल्फलेस लव, क्रूस के ऊपर आके अधनागों का वो मर गया और कहा कि यार मैं प्यार करता हूं तुझसे, ऐसे भयंकर प्यार हम नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करके देख लो, बाइबल का परमेश्वर कहता है यार तेरा भाई तेरे विरुद्ध में यदि एक दिन में पाप करेगा, कितने बार हम माफी करेंगे। आज माफी हम कर नहीं सकते हैं, आज हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम दिखा सकते हैं, मार के खत्म कर सकते हैं मार के। लेकिन वो कहा 7 बार 70, उसका मतलब 7 × 70 490 times forgive your brother, it is impossible। मैं बोला ये impossible हो नहीं पाएगा। God बोला that which is impossible with you is possible with God। इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, इसलिए हमें उस पर भरोसा करके हमारे स्टेप को लेने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज इस ईश्वर को, इस खुदा को हमें जरूरत है, जो कि हमें शांतिपूर्वक बना चाहता है, और सिख और ईसाई को एक, मुस्लिम और ईसाई और हिंदू सबको एक करके खुदावंद उसकी महिमा को लेना चाहता है। दूसरा बात होता है कि ये जो शांति है, हम शांति के लिए क्या कर सकते हैं। पहला होता है शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना बाहुबली था, इतना पावरफुल था, आधा से अधिक वर्ल्ड को वो कॉन्कर किया, और मरे कैसे पता है, कोई बता सकता है अलेक्जेंडर द ग्रेट कैसे मरे? एक मच्छर, कितना मलेरिया हो गया उनको। इतिहास पढ़िए मेरे प्रियो, आप हमारा बाहुबल, हमारा ताकत, हमारा बुद्धि, हमारा समझ, हमारा ज्ञान हमें बचा नहीं सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए आप जानो कि हमारा डोर और किसी के हाथ में है, इसलिए उस पर भरोसा करो। जैसे गुरु नानक जी ने कहा कि सत्य मार्ग पर चलो, ऐसे यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं, और मेरे बिना कोई पिता के निकट पहुंच नहीं पाएगा। उस ईश्वर पर भरोसा करते हुए और एक दूसरे को प्यार करते हुए आगे बढ़ना। और एक दूसरे को प्यार कैसे करेंगे, शांति प्यार का बच्चा है, शांति प्यार का एक दूसरा पैगाम है। इसलिए ये प्यार कहां से आएगी, ये शांति आएगी कहां से? बाइबल में लिखा गया है कि ये शांति एक फल है, ये लव एक फल है मेरे प्रियो। ये ऐसे सडनली नहीं आता, कोई बोल के नहीं आता, यू कैनॉट बाई फ्रॉम द मार्केट।
यू कैनॉट बाई इट, यू कैनॉट, इट कैनॉट बी बॉट, इट कैनॉट बी टॉट, इसे सिखाया नहीं जाता है। आज हम देखते हैं कि कैसे लेबलिंग की जा रही है, ये माइनॉरिटी है, ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स जो है वो बांटे जा रहे हैं। और यहां के ही जो नेता है वो अपने ही राज्यों की बेटियों की आबरू को लूट रहे हैं और मॉब लिंचिंग जैसे केस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे, समाज में डर, असहजता, इनसिक्योरिटी ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और अगर हम आज देखें हिमा दास जिसने 6-6 गोल्ड मेडल जीते परंतु उसे मीडिया में नहीं दिखाया गया, और अगर हम सुबह जब टेलीविजन लगाते हैं, टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो सभी चैनलों में एक होड़ लगी होती है आपकी किस्मत, आपके सितारे, आपके तारे, आपकी भविष्यवाणी, आप ये रंग पहने आज के दिन तो आपके सारे काम जो है वो आज हो जाएंगे, ये कलर आपके लिए लकी है, ये नंबर आपके लिए लकी है, ऐसा प्रचार किया जाता है। अब वो जो हिमा दास जिसने कठिन परिस्थितियों में 6-6 गोल्ड मेडल जीते और अपनी विजय राशि में से उसने असम के पीड़ितों के लिए डोनेशन भी दी, वो जो आज हमारी जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन थी, एक प्रेरणा का स्रोत थी, पर हमारे समाज को आज आलसी, आज उन्हें लालची और जुआरी बनाया जा रहा है, जब हम उन्हें और उन्हें डरपोक बनाया जा रहा है, जब उन्हें बोलते हैं ये रंग पहन लो आपके सारे काम हो जाएंगे, तो उनमें आलस तो आएगा, जब हम उन्हें शुभ और अशुभ के चक्कर में डालेंगे तो भय तो उनके मन में आएगा ही, तो हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं, लालच, आलस, हम उन्हें जवारी बना रहे हैं, हम उनके मनों में डर पैदा कर रहे हैं। कि गुरु नानक साहब की विचारधारा और उनकी शिक्षाएं इतिहासिक दृष्टिकोण में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे माननीय है और कैसे उनको प्रवाहित और प्रसारित किया जाए। बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, 35 मिनट्स में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर को छोड़कर राष्ट्रीय मापदंड की बात करते हैं। दरअसल जंग तो एक विचारधारा की है और उनके खिलाफ है जिनकी मानसिकता में फासिज्म है, फाशीवाद है, और जिनकी सोच नाजीवादी है। और इस विचारधारा की जंग को मेरे इस्लामी भाई बैठे हैं, इन्होंने दो किताबें जरूर पढ़ी होंगी, शायरे मशक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की, तुल्य इस्लाम और बांगे दरा। बांगे दरा में उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता और गुरु नानक साहब ने तौहीद की कैसी बात की है वो बताते हैं। वो कहते हैं आशकार उसने किया जिंदगी के राज को। दरअसल जिंदगी का राज ट्रू फिलॉसफी होता है, रूहानी फलसफा होता है, पर इस फलसफे के विरोध में कौन था? आशकार उसने किया जिंदगी के राज को, हिंद को ख्याली फलसफे पे नाज था, ख्याली फलसफा, मिथ। जिनके पास स्पिरिचुअल फलसफा नहीं है, ख्याली फलसफा है, वो रूहानी फलसफे की खिलाफत की बात आज कर रहे हैं। और मैं हैरान रह जाता हूं, अगर किसी को राजनीति या किसी और बल के सहारे कहा जाए कि आपके खुदा, आपके गॉड, जब आप अपने भगवान का नाम छोड़ दो, हमारे भगवान का नाम लो, तो मेरा जवाब बड़ा स्पष्ट होता है,
क्योंकि मेरे बोलने का आधार श्री गुरु नानक साहब की बख्शी हुई पावन गुरबानी होता है, तो मैं कहता हूं मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर आपका बताया हुआ भगवान किसी रोते को हंसा सकता है तो मैं आपके भगवान का नाम लूंगा, लेकिन गुरु साहब तो कह रहे हैं कि रोवे राम निकाला भया, जो खुद रो रहा है मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बड़ा स्पष्ट हूं मैं इस बात पर, लेकिन कैसे लिया जा सकता है? जो औरंगजेब के बेटे थे, बाद में बहादुर शाह बनते हैं, उनके दरबार में गुरु गोबिंद सिंह महाराज को एक सवाल किया एक काजी साहब ने, मजहब तुम्हारा हू जब मजहब हमारा हू। इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे बार बार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को कोट करना पड़ रहा है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, शम्मा ए हक हो मुनव्वर जे ऐसी महफिल ना थी, बारिशें रहमत हुई लेकिन जमीन काबिल ना थी। ये बात बड़ी अहम है। आज 550 साल प्रगट दिवस गुरु नानक साहब का मना रहे हैं, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि जिस जमीन पर जे रहमत की बारिश हुई थी वो जमीन अभी तक काबिल हुई या नहीं। अभी तक हमने उनके जो स्पिरिचुअल या रूहानी फलसफा था उसको समझा या नहीं समझा? इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमने समझा या फिर हमने नहीं समझा। उन काजी साहब का सवाल है, मजहब तुम्हारा हू या मजहब हमारा हू। बड़ा अजीब सवाल है। मैं आपसे कहूं तो अगर आप कहेंगे कि मेरा खूब है तो दुश्मन बन गए, अगर मैं कहूं तुम्हारा खूब है तो तुम बोलोगे कि अगर हमारा खूब है तो फिर अपना बेखूबी वाला छोड़ के हमारे में क्यों नहीं आते। क्या जवाब दिया जाए, मजहब तुम्हारा खूब या मजहब हमारा खूब? काजी साहब सोच रहे हैं कि गुरु साहब अगर कहेंगे कि मजहब मेरा खूब है तो बादशाह सलामत से कहूंगा कि जे हमारे धर्म को बेअदब कर रहे हैं, और अगर कहेंगे कि मजहब तुम्हारा खूब है तो फिर मैं कहूंगा कि अगर हमारा मजहब खूब है तो अपने को छोड़ के मेरे मजहब में आ जाइए। मैं सोचता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की बात तो छोड़ दें, अगर हिंदुस्तान को हमने एक सूत्र में पिरो के रखना है तो जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जवाब दिया शहजादा मुअज्जम के सामने काजी साहब को, वो बहुत जरूरी है। गुरु साहब ने बड़े ही प्यार के साथ कहा, तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। अगर हम इसको यूनाइटेड नेशन के संविधान में भी ले आए ना कि मजहब तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब, कोई हिंदू है सच्चा हिंदू बने, कोई मुसलमान है सच्चा मुसलमान बने, कोई क्रिश्चियन है सच्चा क्रिश्चियन बने। मैं तो माइकल साहब को भी एक बात कहना चाहता हूं, माइकल साहब बड़ी अच्छी बात है, आपको किसी ने सवाल किया कि आप क्रिश्चियन है, आपने कह दिया कि मैं खुदा का बेटा हूं या भगवान का बेटा हूं। मैं तो कहता हूं कि आपको यह भी कहना चाहिए कि हाँ ठीक मैं क्रिश्चियन हूं, क्योंकि यहां पर शांति की और पीस की बात है। वहां पर सर्मन ऑन द माउंट में मैथ्यू लिखते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि अगर अपनी अजमत को बचाने के लिए तलवार की जरूरत हो तो बस्तर भी बेच दो। ये भी तो बात है। दरअसल इन सब बातों को समझना पड़ेगा अगर इस देश में अपनी जरूरत हौसले बहादुरी दृढ़ता और अपने धर्म के अकीदे को कायम रखते हुए इस देश में जीना है तो इन बातों को कायम रखना पड़ेगा। और गुरु नानक साहब ने जो संदेश दिया ना हमें कि जिस भी मजहब में हो उस मजहब की सच्चाई के आधार पर उसका पालन करें। अगर आप मुसलमान हैं तो आप नमाज पढ़ें, आप ज्यारत करें, आप काबा शरीफ जाएं। आप क्रिश्चियन हैं तो आप क्रिसमस मनाएं। अगर आप हिंदू हैं तो अपने धर्म को अपनी मान्यताओं के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा करें। अगर हम सिख हैं तो हमारा फर्ज है कि हम अपने शब्द गुरु के आगे सर झुकाएं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा खूब है और तुम्हारा खूब नहीं है, धर्म को बेअदब ना करें। ये बात बहुत जरूरी है। उसके आगे की बात है, गुरु नानक साहब ने एक बड़ी अच्छी हमें बात समझाई है।
अब जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड पीस की, प्रॉस्पेरिटी की, तो हम तो देख जे ते विरासत कोले हुई ते विरासत की सी दया कपा सुनी सी संतोख सूत जात गंडी सत वट ये विरासत जे जे ते दया दी विरासत हैगी गुड संतोख दी विरासत सच दी विरासत तो फिर गुरु नानक दे पुत खायो नहीं तो कुछ होर कर लो भाई इतने नास्तक भी तो तुरे फिर की लौड़ा धर्म की पट्टी ला के तुर के एवं धर्म न भी नाल कलंकित कर औखे सी शब्द माफी मंगदा मैं कि कोई हर्ट हो गया वे आई एम सॉरी पर एक गल है जिन्ना चिर जिम्मेवार ना ना बने कुछ ते अपने घर तो स्टार्ट करियो अपनी गली तो स्टार्ट कर लियो जिथों भी कर सकते हो उत्थे कर लियो। दूसरा पाठ जो मैं अपने बाकी भाई बहनों से करना चाहता था गुरु नानक का जो पैटर्न मैंने अभी बात की वो था संवाद। भाई नफरत ना करो बात करो, नफरत से कुछ नहीं होगा बात से रास्ता निकलेगा। दिल की बात बोलो नफरत नहीं, नफरत से बात करोगे नफरत फैलेगी, प्यार से बात करोगे प्यार फैलेगा। ये गुरु नानक का रास्ता है। गुरु नानक ने हर एक बंदे से प्यार से बात की। दूजी बेनती तन और मन दोनों से धर्मी होना है। तन तो धर्मी है, माफी मैंने भी कृपान मैं अमृत छक्या पग बांधा केस रखी, बट क्या मैं धर्मी हूं वो तो मेरे संस्कारों से पता चलेगा। गुरु नानक का मसला सिर्फ तन का मसला नहीं है, इधर तन और मन दोनों धर्मी होने चाहिए, एक से बात नहीं बनेगी। और तन तो दुनिया देखेगी, मन कौन देखेगा? मन शीशा देखेगा, घर में आईना है वो बताएगा तेरे को कि कितना धर्मी है तू। और अगली बात कह दूं, गुरु नानक से तुम्हारा रिश्ता क्या है? बड़ा प्यारा रिश्ता है। गुरु नानक के भी चार पुत्र शहीद हुए, पीर बुद्धू शाह के भी चार पुत्र शहीद हुए, 700 मुरीद शहीद हुए, बड़ा गहरा रिश्ता है। गुरु नानक के साथ उदासी पे जो गया वो मुसलमान था, बड़ा गहरा रिश्ता है। छोटे साहबजादे जो गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहबजादे थे उनको बचाने के लिए जिसने आवाज उठाई वो मुसलमान था। ठंडे बुर्ज में दो गिलास दूध के माता गुजर कौर जो थन गुरु गोबिंद सिंह के माता थी उनको और छोटे साहबजादों को जिसने दूध पिलाया वो हिंदू था। ये तो रिश्ता ही बड़ा प्यारा है। पर हमने क्या दिया? हमने भी ऐसे ही किया कि जब एक हिंदू लड़की को बचाने के लिए एक बंदा अकाल तख्त साहब पे आया कि वो लड़की मुगल उठा के ले गए उसको बचा के लाओ, तो हमारे 800 सिंहों की शहादत हुई एक लड़की को बचाने के लिए। फादर साहब एक लड़की को बचाने के लिए 800 लोग शहीद हो गए। ये ध्यान करना पड़ेगा हमें, हमारा रिश्ता हमने तो किया है। जो सुनील जी तो चले गए बोल के मैं उनको भी बनाना चाहता था कि हमने किया है। उन्होंने क्या ना कि मुसलमानों ने उनके साथ उनके हक में आवाज उठाई कि नहीं हम, हमारा इतिहास है। अभी रोहिंग्या में आज जब हुआ रोहिंग्या मुसलमानों पे अत्याचार हुआ तो सबसे पहले रोटी लेके खालसा अड़ गई सिख रहे, क्योंकि हम लंगर बांटते हुए भी किसी का धर्म नहीं देखते, अगर कोई जुल्म करता उसका सिर काटते हुए भी किसी का धर्म नहीं देखते। दोनों ही हालातों में ये हुक्मरान तय कर ले कि उन्हें हमारे से लंगर की सांझ रोटी की सांझ रखनी है या हमारे साथ तलवार की सांझ रखनी, ये उसने तय करना है। हमें दोनों ही तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब से पैदा हुए हैं अगर बाबर को जाबर कह सकते हैं तो किसी को भी कह सकते हैं, ये क्लियर है। आज के हुक्मरान को मैं धन्यवाद देता हूं श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार को,
اس نے پوری قوم کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا میں کہا کہ کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا کشمیری لڑکیوں کی طرف. ہم ہیں سکھ ہیں زندہ ہیں, یہ ہمارا کلچر گرو نانک نے دیا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر کسی کے ساتھ. کوئی آپس میں بھی ظلم کی بات کرے گا, ہم ہمیشہ ہی مظلوم جو وکٹم ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پر آپ کو یہ کہہ کے کہ میں چاہتا ہوں بھارت ماں کے بچے بنو, مبارک ہے تم کو, لیکن صرف بھارت ماں کے بچے نہ بنو, دھرتی ماں کے بچے بنو. گرو نانک نے کہا تھا, ہم پڑھتے ہیں روز, پمن گرو پانی پتا ماتا ترت مہت. وہ وڈی ماں ہے جو ہماری, اس کے پتر بنے, پھر ہم بھائی بہن ہوں گے, پھر ہمارا ایک ہی باپ ہوگا. جو لکھا تھا نا, جو بہن جی کا بھی ٹاپک تھا, ہاں جی, پھر ایک پتا ایک اس کے ہم, پھر ہوگا. پہلے ماں ایک مانو دھرتی, لیکن اس دھرتی کا جو دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا. یونائٹڈ وی سٹینڈ, یہ دھیان رکھنا پڑے گا. منکھتا جب بلیف ان یور بلیف کلیئر ہے, کوئی بات نہیں. گرو نانک نے کہا بلیو ان یور بلیف, جس کو بھی مانتے ہو مانو, کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ یہ اورنگزیب ہے کہ پیر بدھو شاہ, دونوں ہی مسلمان. یہ دیکھ لینا پہلے کہ اندرا گاندھی ہے یا دیوان ٹوڈرمل ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. یہ تمہیں گرو کی بانی, پوتر قرآن, پوتر وید سکھائیں گے, پوتر بائبل سکھائیں گے. اتنا کہتے ہوئے کھما کر جا چکا ہوں, سب کو کہنا چاہتا ہوں, تم کو بھی ہے, تم بھی اگر گرو نانک کا پرب منانا چاہتے ہو, ایک ایک لنچ ڈنر تم بھی رکھ لینا, تم بھی اپنے بچے کو 200 روپے کی ٹافیاں دے کے کہنا, دیکھو سید پیکھن شاہ کو یاد کرنا, بابا فرید کو یاد کرنا, سائیں میاں میر کو یاد کرنا, پیر بدھو شاہ کو یاد کرنا, بھائی مردانہ کو یاد کرنا, تو جو ہندو بیٹھے ہیں جوان ٹوڈر مل کو یاد کرنا, موتی مہرا کو یاد کرنا, متی داس ستی داس کو یاد کرنا. دھرم نظر نہیں آئے گا, منکھتا نظر آئے گی, مانوتا نظر آئے گی. ٹوٹ جائیں گی یہ سب دیواریں, یہ تو کیا سبھی دیواریں ٹوٹ جائیں گے. آپ کو نشے کی لت میں دھکیل کے جو پنجاب کا حال کیا جا رہا ہے, ایک وقت تھا 80s میں کہ انہوں نے سارے پڑھنے لکھنے والے نوجوانوں کو جو IAS IPS کر رہے تھے, الیکٹرانک اور ٹیکنیکل میں جا رہے تھے, ان بچوں کو چن چن کر ٹیررزم کے نام پر مارا تھا. وہ پیڑھی اٹھ بھی نہیں پائی تھی کہ نشے میں ٹھکیل دیا پورے پنجاب کو. ہوش میں آئیں گے, وہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے, وہ آپ کو توڑیں گے ایک ایک کر کے. تو یہ وقت ہے ساتھیوں اٹھ کھڑے ہونے کا. ہمیں اس 550ویں جینتی پر, اس سالگرہ پر یہ عزم لینا ہوگا کہ ہم یہاں جتنے لوگ ہیں, کم سے کم ہم, حالانکہ آپ جڑے ہیں ایک دوسرے سے تب یہاں بیٹھے ہیں, اتنے تحمل سے, اتنے صبر سے ہم اس سے آگے بھی اس کو لے کر جائیں گے, اور ہم یہ لڑائی جیتیں گے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, ہماری گنگا جمنی تہذیب ہماری ہے, جھنڈا ہمارا ہے, سمویدھان ہمارا ہے, کیونکہ دیش کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی بل آنا ہے سٹیزن شپ کا, لیکن ہر اسٹیٹ کو ہوم منسٹری سے لیٹر پہنچ گیا ہے کہ ڈیٹینشن سینٹر اپنے راجیہ میں بنائیے. ڈیٹینشن سینٹر کا مطلب ہوتا ہے ان تمام لوگوں کو جو ہندو نہیں ہیں, کرسچن اور مسلمانوں کو, ان کو پروف دینا پڑے گا 1951 کا اپنے باپ داداؤں کے نام کا. اگر آپ کے پاس انت میں ایک پریکٹس شو کی سی ایک منٹ کی کروانا چاہتا ہوں. ایک پلج ہے جو ہم جدھر بھی یہ کاریکرم آیوجت کرتے ہیں ادھر ہم پلج کرتے ہیں. پلج تو پتا ہے نا آپ کو, وہ سوگن نہیں ہوتی, وہ وعدہ ہوتا ہے اپنے پرماتما کے ساتھ کہ ہم 550 پرب پر دھن گرو نانک صاحب کو یاد کرتے ہوئے ہم سرشتی کے کرتے پرم پتا پرماتما کو اپستھت نریکشک مان کر
अपने अपने धर्म को स्वीकारते हुए प्रण करते हैं अपनी माँ अपनी धरती माँ के प्यार में कुदरत की संभाल पवन पानी की चौकीदारी वातावरण की सफाई के लिए वचनबद्ध होंगे धर्मों जातियों कौमों नस्लवाद ऊंच नीच देशों की विभिन्नताओं और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की चौकीदारी करेंगे। हम साझेदारी के हमेशा हामी रहेंगे। धन्यवाद।